हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। आज हम बनाएंगे हेल्दी, टेस्टी और डिलीशियस खट्टा मीठा आंवले का पाचक। इसको आप मुखवास भी कहते हैं, माउथ फ्रेशनर भी बोल सकते हैं या आंवला सुपारी भी बोल सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में आंवले जो हैं बहुत ही सस्ते और अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसको खाने से कतराते हैं क्योंकि इसका जो है टेस्ट जो है कसीला होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, इसलिए हर कोई इसको नहीं खा सकता। कई लोग जो है आंवले का मुरब्बा, अचार, कैंडी बनाते हैं, लेकिन जो इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत लंबी होती है, इसलिए इनको बनाने से भी उनका भी मन नहीं करता कि बहुत टाइम लगेगा, कौन बनाएगा, बहुत झंझट होता है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही आसानी से बनने वाला और बहुत ही अच्छा और बहुत ही चटपटा खट्टा मीठा जो है आंवले का जो है पाचक, या इसको माउथ फ्रेशनर या मुखवास भी बोल सकते हैं। इस खट्टे मीठे पाचक को बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम आंवला, 1 कटोरी चीनी, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जो है अजवाइन पिसी हुई, 1 चम्मच अदरक का जो है या जो उसका पाउडर बना के लिया हुआ है, 1 चम्मच सेंधा नमक और काला नमक दोनों लिए हुए, आप जो चाहो वो नमक ले सकते हो आपकी इच्छा से, और 1 चम्मच जो है भुना हुआ जीरा लिया है। इसके साथ मैंने एक लिया है चुकंदर। ये चुकंदर जो है ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो ले सकते हो। मैंने इसलिए लिया है ताकि जो है पाचक बनने के बाद जो है रंग बिरंगा जो है अच्छा लगेगा और स्वादिष्ट भी लगेगा। इसको भी अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, तो इसको मैंने अच्छे से ये चारों तरफ से छील लिया है। अब हम इनको अलग अलग से कद्दूकस करेंगे। अब हमें आंवले को और जो है इसको चुकंदर को दोनों को अलग अलग ग्रेट करना है, क्योंकि अगर चुकंदर को इसके साथ हम ग्रेट कर देंगे, कद्दूकस कर देंगे, तो ये आंवले को जो है कलर सारा रेड कर देगा, इसलिए इनको अलग अलग ही कद्दूकस करना है और अलग अलग हमें इनको सुखाना है। कद्दूकस हमें जो है इसके मोटे साइड से करना है, इसके छोटे साइड से नहीं करना। छोटे साइड से करेंगे तो क्या है, ये बहुत बारीक बुरादा सा हो जाएगा और इसका पानी भी निकलने लग जाएगा। अब हम इसको बड़े साइड से करेंगे ताकि सूखने के बाद जो है इसका साइज़ भी थोड़ा ठीक रहे, सिकुड़ जाता है और इसका पानी भी ना निकले। तो इस तरह से हम इस ये गुठली निकल जाएगी और इसको कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये सारे आंवले जो हैं कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम चुकंदर को भी जो है अलग से ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ अगर करेंगे तो चुकंदर अपना कलर छोड़ देगा। इस तरह से मैंने बीटरूट मतलब चुकंदर को भी ग्रेट कर लिया है। चुकंदर आप 1, 2, 3 जितना मर्जी ले सकते हो, अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, आप सिर्फ आंवले का भी बना सकते हो। अब मैंने इन ग्रेट किए हुए चुकंदर और आंवले के जो है अलग अलग बाउल में डाल लिया, एक में आंवला डाल लिया और एक में जो है चुकंदर डाल लिया है। अब इनमें अलग अलग मसाले मिक्स करेंगे, जो मसाले लिए थे वो आधे आधे मिक्स कर देंगे। मसाले आप अपनी इच्छा के अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हो। एक एक करके सारे मसाले इनके अंदर हम मिक्स कर देंगे। ये काली मिर्च, ये जो है अदरक या सौंठ का पाउडर है वो मिक्स कर देते हैं। ये हमने लिया है नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। इससे जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सारे मसाले जो मिलेंगे ये आपके पाचन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये है भुना हुआ जीरा, और इसमें हम थोड़ी सी हींग भी डाल देते हैं जो कि पाचन के लिए अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छा आएगा।
हमने ये जो चीनी ली थी उसको मैंने पीस लिया है, इसके अंदर मिक्स कर दें। 2-3 चम्मच जितनी आपको खट्टा मीठा जितना चाहिए उसके हिसाब से हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चुकंदर के अंदर चीनी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही मीठा होता है। चाहो तो आप थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब इनको जो है सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो सारे मसाले हैं वो सब तरफ से अच्छे से लग जाए और सब जगह एक जैसा टेस्ट आए। इस तरह मैंने इन दोनों को जो अच्छे से मसाला जो इनके अंदर मिक्स कर लिया है, अब हम इनको अलग अलग प्लेट में डाल के सुखा लेंगे। इस तरह से मैंने अब ये एक थाली में डाल लिया है और इसको प्लेट में डाल लिया है। आप इसको मतलब अगर हम मैंने ये थोड़ा मटेरियल था मेरे पास इसलिए मैंने इसको प्लेट में या थाली में सुखा रही हूँ, और बिल्कुल अलग अलग खुला खुला करके सुखाना है, नहीं तो ये क्या है सूखने में टाइम लेगा। और हमें इसको अगर ज़्यादा आपको बनाना है तो आप इसको एक प्लास्टिक की पन्नी पे सुखा सकते हो, और मतलब कपड़े पे आपको नहीं सुखाना। कपड़े पे अगर हम सुखाएंगे तो ये क्या है कि कपड़ा इसका जो रस है वो सोख लेता है और इसका फिर ये टेस्ट नहीं रहता बिल्कुल भी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि इसको कपड़े पे बिल्कुल नहीं सुखाना है, और इसको थाली में या कोई प्लास्टिक की सीट है उस पर बिछा के आप खुला खुला इसको सुखा सकते हैं। ऐसे करके मैंने इन दोनों को अलग अलग प्लेट में डाल लिया है और इसको अब ये 2-3 दिन हम उसको धूप में अच्छे से सुखा लेंगे। इस तरह से दोनों को अलग अलग डालकर मैंने धूप में सूखने के लिए इनको रख दिया है। तो ये देखिए जो चुकंदर और आंवले को कद्दूकस करके मैंने सुखाया था, इसको 3 दिन हो गए हैं सूखते हुए और ये अच्छी तरह से सूख के हमारा बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे दोनों को, और इसकी बहुत ही अच्छी जो है खुशबू भी आ रही है, बहुत ही अच्छा सा जो है हमारा खट्टा मीठा अचक और कलर्ड जैसे ये इसमें डालने से क्या है बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार हो गया है। तो ये अच्छा सा हमारे कैंडी की तरह या सुपारी कि जो पाक होता है उसकी तरह से बन के ये तैयार हो गए। अब हम इसको किसी जो है कांच की बोतल में भर के रख लेंगे और ये 5-6 महीने तक हमारा चलेगा। 5-6 महीने तक ख़राब नहीं होता, लेकिन मैं जब बनाती हूँ तो 5-6 महीने क्या ये तो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत खाने में टेस्टी होता है। जब भी आप खाना खाने के बाद या जब मन करे खाओ, ये जो है माउथ फ्रेशनर बहुत अच्छा सा हमारा तैयार हो जाता है। तो ये हमारा जो है खट्टा मीठा आंवले का पाचक बन के तैयार है। इसको आप एयर टाइट बोतल में रख के 5-6 महीने तक आराम से रख सकते हो। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। आपको भी ये खट्टा मीठा पाचक या मुखवास कह लो या माउथ फ्रेशनर कह लो, ये आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।